चलो।
देखो वो सामने रोड दिखाई दे रहा है ना, वहां से बाहर निकल जाओ, सीधा अपने शहर की तरफ। हाँ सर, थैंक यू, आपने मेरी इज्जत बचाई, इसलिए मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? ये सोच लो कि मैं तुम्हारे लिए फरिश्ता हूँ, अगर एक बार इज्जत लुट गई तो जिंदगी में कभी भी वापस नहीं लौटती है। जाओ यहाँ से सीधा अपने घर चली जाओ। सर आपका नाम? नाम में क्या रखा है, तुम तुम्हारा रास्ता देखो, मुझे छोड़ दो। सर से बांध कर रखा है। माँ जल्दी चलो, जल्दी। भैया खोलो ना, भैया जल्दी चल, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। भैया खोलो ना, भैया और कितनी दूर जाना है? भैया भैया खोलो ना, भैया। कमीना यहाँ क्यों आया है, कितना भी मना करो मानता ही नहीं है। बहुत दुख रहा है, खोलो ना माँ। माँ बेटा बहुत दुख रहा है। ए, मेरे बच्चे को तू खिलाता है क्या? ए मौसी मुंह बंद कर, इसने मेरा ताड़ी का मटका फोड़ दिया है। ए मेरे बच्चे को छोड़ दे वरना काट के रख दूंगी, समझ गया ना, ये अपने बाप का खाता है। इसका रोज का नाटक हो गया है, ये ताड़ी का नहीं पानी का भी मटका फोड़ देता है। तो क्या उसको बांध के रखेगा, एक दो मटकी फूट गई तो क्या हो गया? जरा समझाओ इसको। ए ज्यादा मत बोल तू, मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आया ना तेरी माँ, क्या उसकी माँ भी आ जाए तो छोड़ूंगी नहीं। बड़ा आया मेरे बेटे को बांधने वाला, जैसे ये खिलाता है दोबारा ऐसा किया तो देखना। आहिस्ता कीजिए, दुखता है। हाँ हाँ तेरे बाल तो उखड़ गए, चुप है। राजा कहाँ है? यहाँ काम कर रहा हूँ, आता हूँ। चल बेटा देर हो रही है, स्कूल जाना है। आता हूँ माँ। अम्बी भारी है, जरा हाथ लगाना। आराम से आराम से गिराना मत। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ गया है तेरा घुमक्कड़ बेटा? हाँ हाँ उसे क्यों कोसते हो,
मेरा बेटा किसी राजा से कम है क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैसूर के राजा का वंश है ना हमारा। अच्छा सुन, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, पेट में चूहे। थोड़ी देर रुको, दे रही हूँ। तेरे लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ रखा है। राजा जल्दी चल। बेटा इतना क्यों चिल्ला रही हो माँ? देख मुर्गा आया है। हाँ, मुर्गी बंदर की अच्छी जोड़ी है। जानती हो बाहर जाकर ये दोनों क्या गुल खिलाते हैं? ताड़ी का मटका फोड़ते हैं ये दोनों। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, रुको अभी बताता हूँ तुम दोनों को। चलो जल्दी राजा। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो बोलो पूरे सो, हाँ बोलो बोलो पूरे सो। इक्का दुक्का तिक्का चौका सीधे नौ, आया तुझ पे नौ। आओ मिलकर खेल करेंगे, कभी पुलिस कभी चोर बनेंगे। आओ मिलकर खेल करेंगे, कभी पुलिस कभी चोर बनेंगे। लड़ना झगड़ना छोड़ो, मिलकर रहना सीखो। लड़ना झगड़ना छोड़ो और मिलकर रहना सीखो। कौआ उड़े बिल्ली उड़े खेल मेरे संग तू। आंखें मूंद तू मैं छुप जाऊं, मुझको आके छू। तैरना जा तुझे सिखाऊं, डूब न जाए यार। पेड़ पे चढ़ना गिर जाएगा, लग जाएगी मार। खुशबू आए मीठी यारो पकवान का, भागो आया मालिक देखो मकान का। जल्दी यहाँ से चल, अरे भागो भागो गन्ना उठा के चल। हाँ, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो बोलो पूरे सो, बोलो बोलो पूरे सो। इक्का दुक्का तिक्का चौका सीधे नौ, आया आया तुझ पे नौ। फेंका मैंने गेंद निशाने पे, लग गया रे। जीत गया हारी बाजी रे। कितना सुंदर कितना प्यारा बचपन के दिन रे। टूटी डाली पे तू बैठा, खींचू तुझको रे। दुख में भी हंसता जा, उठ के मंजिल को पा। मस्ती के दिन है मस्ती करता जा। बचपन ये फिर ना आएगा, हाँ कर ले मस्ती। बचपन ये फिर ना आएगा। हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोल पूरे सो, बोल बोल पूरे सो। इक्का दुक्का तिक्का चौका सीधे नौ, आए आए तुझ पे नौ। क्या हुआ बेटा? अरे ओ मौसी, कहाँ है तेरा वो शैतान, बाहर निकालो। रोज मेरे मुर्गे के साथ खेलता था, आज उसने उसके पैर तोड़ दिए। कहाँ छिपा के रखा है उसको? ए, क्या बक रही है? अभी बताती हूँ। ए, क्या बकवास है, जो मुँह में आया मत बोल। जो सही है वही बोल रही हूँ, उसकी गलती मत छुपा। अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, जाके अपने बेटे से पूछ कैसे पैर टूट गया। तेरे घर में आग लगे जब देखो। अरे मैं जानती हूँ अपने बच्चों को, कैसे है वो। आई बड़ी मेरे बच्चों की शिकायत लेके, अपनी गलती है और नाम मेरे बेटे का लगा रही है। कहाँ है तेरा बेटा, बुला उस नालायक को। ए, तूने उस बहन जी के मुर्गी की टांग। अरे क्या कर रहे हो, करेगा ऐसे बदमाशी कर रहे हो। अरे मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो?
इसकी तो सुधरने वाला ही है। अरे क्या कर रहे हो? खाना पीना तू हट जा, तू हट जा, नहीं तो तू यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ सकता। कल से तू पैसा कमा के लाएगा, नहीं तो घर में तेरा खाना पीना बंद। अरे चींटी तक अपने दाने के लिए दौड़ भाग करती है, और एक ये निकम्मा कहीं जान क्यों ले रहे हो? तू मुंह बंद करके चल अंदर, बिगाड़ के रखा है बच्चे को। अरे छोड़ो मुझे, इसकी तरफ नहीं किया है, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे के पास जाने दो। माँ पापा को बोलो, माँ मुझे अंदर लेने के लिए बोलो। मदन भाई मेरे राजा को देखा? मटका ले लो, मटके वाला मटका, अच्छा वाला मटका, मटका ले लो। चंद्रा बहन मेरे राजा को देखा? मैंने नहीं देखा माँ जी। देखिए बहुत सख्त है, टूटेगा नहीं आसानी से। राजा मिला क्या? अभी तक नहीं आया क्या? हे भगवान कहाँ होगा मेरा बच्चा? क्या जरूरत थी तुम्हें मार मार कर उसे भगाने की? बेचारा पता नहीं कहाँ गया। तुम्हारे अंदर रहम नहीं है, कैसे बाप हो? अरे जैसे तू सोच रही है वैसे कुछ नहीं होगा, किसी पेड़ पे चढ़ा होगा बंदर की औलाद। तू खाना परोस दे, भूख लगी है। कितने बेरहम हो, तुम्हें अपने खाने की याद है? बेचारा वो बच्चा भी तो भूखा होगा, तुम्हें इस बात का एहसास है क्या? उसने कुछ ना कुछ खाया होगा, तू मुझे खाना खिला। मैंने कोई खाना नहीं बनाया, आज सब भूखे रहेंगे। उसमें तेरी ही आदत है, खेल गुस्सा तीन टाइम भरपेट ठूसती हो ना, एक दिन भूखा रहेगा ना, तब उसे सारी बातें समझ में आएंगी कि बाप क्यों समझाता था। अरे बाप रे, तुम्हारा ही बेटा है, सारी आदतें तुम्हारी हैं। घर में आते ही शिकायत आती है, सुधारने के लिए ही तो मारा है, गुस्से में कहीं जाकर बैठा होगा। अब तो पूरा गांव सो गया है, सुबह जाकर उसे ढूंढेंगे कि कहाँ है। बेटी खाना खाया? तुम नहीं भी खाया? ना रक्षा करना भगवान, मेरा बेटा सुबह घर से भाग गया है। मैं सालों से तेरी पूजा करती आई हूँ, उसे वापस भेज दो भगवान। हमारा राजा किसी के घर में रहने वाला नहीं है, चलो पुलिस के पास चलते हैं। कहा ना सुबह जाकर ढूंढ लूंगा। रहने ही दो, मैं ही जाती हूँ। तेरी भी जिद महंगी पड़ जाती है, चैन नहीं लेने देती, जाकर देखता हूँ। मैं भी आ रही हूँ। अब बैठ ना, जा रहा हूँ ना ढूंढने, माथा खराब करती है। क्या हुआ? राजा मामा कह के मुझे बुला रहा था, गाड़ी से टकरा गया, मामा चिल्ला रहा था, उसके सर से खून निकल रहा था जी। अरे वो बस एक सपना था, सो जा सो जा। नहीं जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, चलो उसको चलकर ढूंढते हैं। अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं देगा, सुबह जाकर ढूंढेंगे। तुम्हें पुलिस के पास जाने का शौक है ना, पैसा है तो जा, अब सो जा, कुछ नहीं होगा उसे, सो जा। अरे सुनो। नमस्ते सरकार। मेरा बच्चा मिला मेरे क्या? साथ चलो, साहब ने तुम्हें बुलाया है। बताओ ना सरकार मिला क्या? उधर आओ पता चलेगा। पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हुआ, चल देखते हैं चल। हमारे बच्चे को क्या हो गया? चलो जी जल्दी चलो। यही लोग हैं सर। नमस्ते सरकार। नमस्ते। आपने हमें बुलाया, बच्चा मिला क्या सरकार? देखो यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी है, जरा देख के बताओ वो तुम्हारा बच्चा तो नहीं है। ए जी हमारे बच्चे को क्या हुआ?
नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा नहीं है ये, मेरा बच्चा नहीं है ये। ये चीजें उसकी बॉडी पर से मिली हैं, इन्हें देखो जरा। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पापी, मेरे बच्चे को मार डाला। पिछली बार आया था तेरे साथ, रुका था, आज इसके साथ चल। बेटा जाग गया तू? मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? मेरी माँ कहाँ है? मैं भी तेरी माँ जैसे ही हूँ बेटा, तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या? अरे मैं यहाँ कैसे आया? कल रात को तू आकर मेरे गाड़ी से टकरा गया, तुझे चोट लगी थी, तू कुछ कह नहीं रहा था, इसलिए बेहोशी की हालत में मैं तुझे यहाँ लेकर आ गई, समझे बेटा? अब ये बता, तू कौन है? तेरा गांव कौन सा है? हमारा गांव रामपुर कुमारपाड़ा। घर से भागकर आया है? मुझे मेरे पापा ने मारकर घर से निकाल दिया। क्यों? कमाई करके नहीं लाया तो कहा घर पे मत आना। तू यहीं पे रह जा, मैं तुझे पैसे दिया करूंगी, ठीक है? धोखा मत देना। नहीं बेटा, हम लोग वैसे नहीं है, चल खाना खा ले, ले बेटा। Oh, my God.
दान करो सर, प्लीज सर, हम जैसे कई गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। दान करो सर, प्लीज सर, इससे उनकी जिंदगी सवर जाएगी। सर प्लीज, उनके पास होता तो हमें मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज सर, कम से कम 100 रुपीज। गुड गुड, अच्छा काम कर रही हो तुम। हाथ छोड़िए सर। मेरे साथ चल, तुझे मुंह मांगी की मत दूंगा। तो यही इज्जत उतार दूंगी लोफर। तूने उसे गाली क्यों दी? हम सब के मिलाएंगे तभी इतने नहीं होंगे। तो आग लगे उसके पैसों को। वो क्यों? पैसे देने के बहाने मेरा हाथ खींच रहा था। साला बुड्ढा होने चला है, कह रहा था चलोगी क्या, एक पल भी और यहाँ रुकता ना तो यही इज्जत उतार देती। जाने दे, 500 रुपया दिया ना तो क्या उसकी पूजा करेंगे? आज 500 देकर मेरा हाथ पकड़ा है, कल 1000 देकर मेरा शरीर छुएगा, कैसे जाने दो? मुन्ने भाई, लड़की बढ़िया है, अब तो नेताजी के घर में चिकन बिरयानी बनेगी। तूने काम बिल्कुल भी सही नहीं किया, अब तू इस तरह मासूम बन के खड़ा मत रहे। मुन्ने भाई, पहले उसे नेताजी के पास लेके जाइए, अगर वहाँ से कुछ बचेगा तो मुन्ने भाई इधर भी मेहरबानी कर देना। हर चीज पर तू अपनी नजर मत गड़ाया कर, मेरा सारथी बिल्कुल काले नाग जैसा है। राजा जब मेरे साथ है तो बहुतों के छक्के छूट जाते हैं। ये ले और निकल जाए यहाँ से सीधी तरफ। ठीक है मुन्नी भाई। राजा। हाँ माँ जी। तू जरा चुप रह, क्यों चिल्ला रहा है? नई नवेली है, कुछ दिनों तक तो फड़फड़ाएगी। हेलो। हाँ हेलो। क्यों मिनिस्टर साहब, लगता है खुशबू वहाँ तक पहुँच गई है कि नहीं? काम हो गया क्या? मेरी नजर पड़ गई तो कोई भी हंसनी हो चकर लेती हूँ, इसीलिए तुम्हें काम दिया मैंने। पहला हक तो आप ही का बनता है मिनिस्टर साहब। राजा, लड़की की पकड़ ढीली कर दे, बात पक्की हो गई, हमें उसे लेकर जाना है। क्या हुआ, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया? क्या बात है, जब भी कोई नई नवेली आती है वक्त से पहले आ जाते हैं मिनिस्टर साहब। बहुत दिनों से कोई नया स्वाद नहीं लिया, बांसी से उब चुका हूँ, अब ये तीसरा चांस है। ऐसा है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, नई नवेली को बहुत जल्द आपके सामने हाजिर करती हूँ। कच्ची कली है, थोड़ा संभल के पेश आइएगा वरना। ठीक है मीना, कहीं का माँ जी के बारे में कुछ कहा तो काट के रख दूंगा तुझे यहीं पे। अगर तुम एक अच्छी माँ के बेटे होते तो इस तरह का नीच काम कभी नहीं करते। नीच गिरा हुआ काम मैं? तो किसी की जिंदगी से कहना सही है क्या? ये भी एक समाज सेवा ही तो है, तुम्हारी चौखट पे आके पैसा उड़ाना और लड़कियों की जिंदगी आबाद करना समाज सेवा है। सही कहा ना? इतनी बेसब्री की भी क्या बात है, आती होगी तैयार होके, थोड़ा इंतजार कीजिए। सुनो जरा इनको पिलाओ। मुझे छोड़ दो ना प्लीज। माँ जी हमें दो वक्त की रोटी खिलाती हैं, ये नमक का कर्ज है। छोड़ दो, वो तुम्हें रोटी नहीं खिला रही, जहर खिला रही है। कल कहेगी तुम्हारी बहन को यहाँ लाके बैठाओ तो बैठाओगे? अगर तुम सही माँ बाप की औलाद हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपनी इज्जत गवा कर एक पल भी जी नहीं सकती, उससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। मुझे छोड़ दो प्लीज, वो तुम्हें रोटी नहीं खिला रही, जहर खिला रही है। कल कहेगी तुम्हारी बहन को यहाँ लाके बैठाओ तो बैठाओगे? अगर तुम सही माँ बाप की औलाद हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपनी इज्जत गवा कर एक पल भी जी नहीं सकती।
मुझे छोड़ दो सर। माँ जी। क्या है राजा बेटा? उस लड़की को छोड़ दो माँ जी। क्या कहा तूने? उस लड़की को ये काम बहुत अजीब लग रहा है माँ जी, इसलिए जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। दिखने बहुत शरीफ घर की लड़की लगती है, उसे जाने दो माँ जी। मेरे टुकड़ों पे पलता आया है तू। सुन, चुपचाप मेरी झूठन खाकर तू यहाँ पड़ा रहे, मेरे धंधे में जरा भी टांग अड़ाई ना तो समझ लेना, चल जा। तुझे पाल पोस के बड़ा किया इस घर की रखवाली के लिए। तुमने मुझे खिलाया है, पाला है, लेकिन मुझे फिर भी उस लड़की पे तरस आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। क्या बकवास कर रहे? तू मेरे सामने उस लड़की के लिए मेरे धंधे के खिलाफ जा रहा है? तू क्या एक औरत है? तू एक डायन है। तेरी रोटी मुझे आज जहर लग रही है, उसे छोड़ दे। ए लड़कियों, इसको कमरे में बंद कर दो और दो चार दिन भूखा प्यासा रखना, तब इसके होश ठिकाने आएंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। प्लीज सर, छोड़ दीजिए। राजा बात सुन, छोड़ इनको। अरे कहाँ मर गया सर? अरे ये लड़की, इसको जाने मत दे। राजा इसको ले जाओ अंदर। राजा तू बहुत गलत कर रहा है, मेरी बात सुन के रख, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे तुम लोग जाओ उनके पीछे, पकड़ो, छोड़ना मत, मेरे से दुश्मनी महंगी पड़ेगी।
कौन सा है तुम्हारा घर? वो दिखाई दे रहा है ना, वही मेरा घर है। ये वाला? जी हाँ वही है। आओ ना जल्दी आओ। दादी माँ जिसके साथ मुंह काला करके आई उसको अपने साथ लेकर यहाँ पे आ गई, तेरे को शर्म नहीं आती? मर क्यों नहीं गई तू? तू पापा क्यों रास्ते पर इज्जत उछाल रही है? आपकी बेटी मुंह काला करके आई है। माँ जी आपको सच नहीं पता इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। हमारी इज्जत बर्बाद करके तू। पहले तो तू अपना मुंह बंद कर, अंदर बैठ के आराम से बात करेंगे, घर के अंदर चलो। चलो तुम भी चलो, तुम भी दुनिया को तमाशा दिखाती हो, चलो अंदर चल। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे लगा तू घर से भागकर किसी से शादी कर ली है। कोई बात नहीं माँ, तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो भी यही सोचती। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमको क्या क्या नहीं कहा, मैं समझ नहीं पाई तुमको। हाँ बेटा, तुमने मेरी बेटी की इज्जत जान, इतना ही नहीं तुमने इस घर की मान मर्यादा को भी बचाया है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुन दोनों भूखे हैं, जल्दी से खाना बना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो राजा? पता नहीं, तुमसे तो पूछना ही भूल गया, तुम्हारा गांव कौन सा है? भटकने वालों का कोई गांव होता है क्या? मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप? वो सब मत पूछिए। देखो बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो इसीलिए तो हमारी बेटी को यहाँ तक छोड़ने आए। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम इस घर के बेटे बन के यहीं रह जाओ। सच में बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रहो। नहीं मुझे जाना है। ये सही कह रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दादी तुम्हें उसे तकलीफ है क्या? नहीं नहीं मैं ऐसा ही नहीं कह रही हूँ। फालतू की बातें मत करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, यही रह जाओ ना राजा। बेटी राजा से कहो कि जल्दी नहा धो ले, मैं जाके खाना बनाती हूँ, ठीक है? तेरे ख्वाबों में देखो मैं तो खो गई। जब से तुझको देखा तुझको चाहने लगा, ओ मेरे यारा तुझको चाहने लगा। उड़ने लगा मेरे मन का ये पंछी, देखी जो तेरी वफा। छोड़ूंगा ना साथ तेरा ओ मेरे सनम, मेरे दिल की तू हाँ तू ही है सदा। तेरा मेरा साथ हो प्यार भरी बात हो, कैसे तुझसे मैं कहूँ बन गए तू मेरी जिंदगी। हाँ मैं भी तेरे
साथिया कैसे तुझसे मैं कहूँ, तुझ में देखती हूँ मैं खुदा। तुझे जब से मैंने देखा तुझ में खोया रे, मेरी धड़कनों में ओ सनम तू ही तो समाया है। जब से तुझको देखा तुझको चाहने लगा, ओ मेरे यारा तुझको चाहने लगा। जब से है मिली निगाहें ओ मेरे सनम, तेरे ख्वाबों में देखो मैं तो खो गई। राग रंग से सजी मेरी दिल रुबा, कैसे तुझसे मैं कहूँ तू मेरी आरज़ू मेरी वफा। तुझसे ही लगाई है प्रीत मेरी साजना, ढूंढती तुझे नजर सुन के आजा तू मेरी सदा। तेरे पास आके धड़कनों को चैन मेरे आए रे, मैं भी तेरे रंग में रंग गई सुन ले मेरे साथिया। जब से तुझको देखा तुझको चाहने लगा, ओ मेरे यारा तुझको चाहने लगा। जब से है मिले निगाहें ओ मेरे सनम, तेरे ख्वाबों में देखो मैं खो गई। राजा क्या है? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बात कर तो रहे हैं। साइकिल रोको, देर हो जाएगी। प्लीज, आज तुम अकेले हो इसलिए मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं क्या कह रही हूँ तुम कुछ सुन रहे हो? राजा, राजा, अरे समलू कमली, बाप रे, तुम उठो, ठीक तो हो ना? तुम पैर में कांटा चुभाया गया तुम्हारे, रुको मैं निकालता हूँ। हाँ दिख रहा है, छोटा सा कांटा है, अभी निकाल देता हूँ। कांटा निकाल दिया मैंने, अब ज्यादा दर्द नहीं होगा। चलो उठो, अब यहाँ पर थूक दो। हाँ ठीक है, बचपन में जब मैं गिरता था तो मेरी माँ ऐसा ही करती थी। तुम्हारी माँ जिंदा है? चलो उठो, घर चलते हम लोग। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? ये रही, ये लो पहनो इसे, ये बैग तुम्हारा, पकड़ो इसे। राजा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त मेरा मूड सही नहीं है, घर चलो वहीं बात करते हैं। चलो बैठो। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। देखो घर के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है? हाँ, किसी की कार भी आकर खड़ी है। राजा कहीं दादी को तो कुछ दादी ए, कहाँ रह गई थी? जल्दी नहीं आ सकती थी? क्या खड़ी खड़ी बातें कर रही हो, जाके तैयारी करो। भाई साहब ये है मेरी बेटी कमली, अभी आ जाएगी तैयार होके, 5 मिनट लगेंगे, तैयार होके आ जाएगी। कोई बात नहीं, जब लड़की देखने आते हैं तब लड़की बाहर से आए तो शुभ मानते हैं। ये सब क्या है माँ? ए, वो लोग तुझे देखने आए हैं। मुझे क्यों देखने आए हैं? बकवास मत कर, अच्छे लोग हैं, ऊपर से पैसे वाले हैं, देखकर हाँ कर ले, तैयार हो जा, जल्दी आ जा। मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। शादी से पहले सभी लड़कियाँ ऐसे ही कहती हैं, शादी के बाद पति के बिना एक पल नहीं रहती।
चलो बेटी सबको कॉफी दो, जाओ सबको दो। क्या पढ़ रही हो बेटी? बीए। पढ़ाई में होशियार है, लगती भी अकलमंद है। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटी। भाई साहब, आपकी बेटी महालक्ष्मी के रूप में घर आए, आकर हंसते खेलते खुशी से रहे, हमारे लिए यही बहुत है। आपकी बेटी से भी एक बार पूछ लीजिए, वो क्या है ना, आज के जमाने की बच्ची है ना। अरे समदी जी, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात कभी नहीं टालते। आप जैसे घर का रिश्ता मिला, हमारे लिए यही बहुत है। राजा, तुम इतने उदास क्यों? मुझे ये सब पसंद नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है, घर वालों को भी पसंद है, तू भी हाँ कर दे। मैं हाँ नहीं करूंगी। मतलब? एक को दिल में बसाकर दूसरे से शादी करके घुट घुट के नहीं जी सकती राजा। हा? दुख झेलकर जीने की हिम्मत नहीं है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। ये कमली तू कैसी बातें कर रही है, जे छोड़ दे, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। मुझे लगता था तुम्हें नाटक करना आता है, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। कुछ भी बोलो, लेकिन राजा के आने से हमारी तो जैसे किस्मत ही खुल गई है, क्या बोलती हो? मैंने तो सोचा था घर में अंधकार होगा, लेकिन उसके आने से घर रोशन हो गया। हाँ, दिए के नीचे ही हमेशा अंधेरा रहता है। कैसी बातें कर रही है माँ जी? कमली और राजा को साथ में देखकर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये तुझे क्या पता? न घर का पता, न जाति का पता, न कुल का पता, घर में घुसा के बैठे हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें दिखाने के लिए इंसानियत की नजर भी तो होनी चाहिए। बेवकूफ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, हमें उससे क्या करना है? राजा कैसा इंसान है ये मैं जान गया हूँ। तुम्हारे घर में मुझे बहुत इज्जत मिली है, खाने को खाना मिला है, और ऐसे इंसान के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकता। राजा, तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल हमारे घर वालों के अंदर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर तुमने मेरी इज्जत और जान क्यों बचाई? किसी ने मुझे हाथ लगाया तो तुम उस पर क्यों टूट पड़े? उस जगह तुम्हारे अलावा कोई और लड़की भी होती तो मैं उसकी भी जान बचाता। दुनिया क्या कहती है, सोचना छोड़कर जाके सो जाओ। घर की बुजुर्ग हो तो थोड़ी अकल की बात किया करो, कुछ भी बोलती रहती हो। तुम अपने आप को धोखा मत दो प्लीज, तुम्हारी आंखों से निकलने वाला आंसू कह रहा है कि सच्चाई क्या है। मुझे जिंदगी दो, तुमसे दूर रहकर मैं नहीं जी सकती राजा। तुम मेरी जान मांगोगे मैं दे दूंगी। मुझे छोड़ दो कमली, घर वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे। अरे तुम समझती क्यों नहीं, छोड़ो। पापी नमक हराम की औलाद, ए तू चुप कर। मैंने तुझे घर में सहारा दिया और तुम्हें अपनी औकात दिखा दी, तुम्हें अपनी औकात दिखा दी तुम्हें, ए तो है और तेरी तो नमक हराम कुत्ते, अपनी औकात दिखा दी तूने। मैंने शरीफ आदमी समझा था तुझे, तूने तू बीच में मत पर। बस करो। चल। अरे 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 क्या कर रहे हो? चल यहाँ। यहाँ तमाशा बना रखा है। अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल। निकल। चल। चल। मेरी माँ सही कह रही है। ना जा पापा। ना शोर बस करो। ना तेरे को। अरे पापा प्लीज। कमली। चल निकल बाहर। चल। 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 हिम्मत हाँ अरे अरे दोबारा यहाँ दिखना नहीं, इज्जत से चला जा राजा। मेरी कोई गलती नहीं है प्लीज। एक शब्द भी और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चल अंदर जा। मैंने तो पहले ही कहा था रोज रोज चल अंदर जा। चल 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 माँ पापा को।
मैं कोई अवतार या देवता नहीं हूँ जो गलती को माफ कर दूं। मालिक मैं सच कह रहा हूँ, तेरे जैसे नमक हराम को तो गांव के बाहर ले जाके खाड़ी में धकेल के मार देना चाहिए। निकल, मैं नमक हराम नहीं। अगर तू सच्चे माँ बाप की औलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे, समझा? निकल 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 यहाँ से। तोड़ के न जा तू मुख मोड़ के न जा, जी न पाऊंगा तेरे गम में मैं कभी। रिश्ता अपना नाजुक था पल में टूट कर, चकनाचूर हुआ हुआ पल में ये सभी। हंस भी न पाऊं मैं, रो भी न पाऊं मैं, याद आते हैं बीते दिन। तोड़ के न जा तू मुख मोड़ के न जा, जी न पाऊंगा तेरे गम में मैं कभी। लौट के न आएंगे गुजरे दिन मेरे, कैसे भूल पाऊंगा दिन वो अपने बाल पान के। घर से जब निकाला था साथ जिसका था मिला, उसने ही ठुकराया है कौन है मेरा जहान में। तरसा हूँ प्यार के लिए एक पल खुशी मिले, तरसा हूँ प्यार के लिए एक पल खुशी मिले। जहर खाकर मरना चाह तो नहीं मरा, पत्थर बांध कर पानी में कूदा फिर भी बच गया, क्यों जिंदा बचाऊं मैं पल पल मरने के लिए। जो नमक हरामी करते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। अगर तू सच्चे माँ बाप की औलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे, समझा? अगर तू सच्चे माँ बाप की औलाद है तो सुबह होते ही तेरी मौत की खबर मिलनी चाहिए मुझे, समझा?
मुझे, छोड़ दो मुझे, मर रहा है मुझे। बात तो सुनो। छोड़ दो। अभी तुमने मेरी इज्जत और जान बचाई और अब खुद जान देने जा रहे हो। मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं, नहीं जीना मुझे, छोड़ दो। रुक जाओ। मौत के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जिंदगी के हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, दूसरा सीधा साधा। तुम यहाँ मुश्किल से चढ़कर इस चट्टान पर आए हो और मैं सीधे रास्ते से चढ़कर आई हूँ जिससे हर कोई आता है, बस हमें इतना ही फर्क है। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, छोड़ दो मुझे, मुझे मरना है। उधर देखो कितने लोग खड़े हैं वहाँ, जानते हो वो लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं? वो नहीं जानते कि तुम यहाँ मरने आए हो, लेकिन जो करिश्मा तुमने कर दिखाया है उसके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं। मौत से पहले मरना कोई बहादुरी नहीं है। मेरे बारे में तुम क्या जानती हो? क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? मैं कौन हूँ क्या ये जानकर तुमने मेरी जान बचाई थी? मेरा दिल और दिमाग काबू में नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मरना है बस। सुनो, यहाँ से कूदने के बाद तुम मरोगे इसकी क्या गारंटी है? गिरने के बाद अगर तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो कोई काम नहीं कर पाओगे। चलो अब यहाँ से। ए, ये क्या है? क्यों ये खाना क्यों नहीं खा रही है? उपवास रखा है क्या इसने? छोड़ो जाने दो, देखता हूँ कितने दिनों तक रखती है। इस तरह खाना पीना छोड़ देगी तो इसको लेके हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ठीक है लाओ खिलाता हूँ। कमली, किसके ऊपर तू इतना गुस्सा दिखा रही है बेटा? आओ खाना खा लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं कितनी बार बोलूं? गुस्सा? तेरा गुस्सा मुझे नहीं पता है क्या? तू चाहती है मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊं, इसीलिए रूठ के बैठी है। ये ले। अगर सच्चा प्यार होता तो मुझ पर इतना जुल्म नहीं करते। सब दिखावा है। आपने दौलत की लालच में बड़े घर में मेरा रिश्ता किया ताकि उसी दौलत से आप लोग भी ऐशो आराम से जी सके, क्यों है ना पापा? कमली, मुझे तू इतना भी नीचे मत गिरा। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा और इम्तिहान मत ले। जब जब तूने जो जो चाहा तुझे वो सब नहीं दिलवाया क्या? वो मेरा प्यार नहीं था क्या? हाँ दिलाया है, तुझे ये पसंद है वो पसंद है ऐसा पूछ पूछ कर दिलाते थे, लेकिन इस मामले में एक बार तो तुम मुझसे पूछ सकते थे ना पापा। वो बचपन के गुड्डा गुड्डी का खेल था, मगर ये शादी जिंदगी का मामला है, उम्र भर घुट घुट के जीना होगा। सही कह रही हो बेटा, वो गुड्डा गुड्डी का खेल था, बच्चों के लिए तो वो एक खेल है, इसीलिए तो मैं पूछता था, लेकिन ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं जिंदगी है। जिंदगी, जिंदगी क्या है तुम्हें इस उम्र में समझ में नहीं आएगा बेटी। तेरी मां से जब मैंने शादी की थी तब वो मुझे पसंद नहीं थी, और अब देखो एक दूसरे को समझ के जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं क्या? वो दौर था। कौन सा दौर? वो दौर, ये दौर सब एक समान है। इतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढकर मैं अपनी बच्ची की शादी इसलिए करवा रहा हूँ कि वो जीवन भर सुख से रह सके, उनकी दौलत पर मैं जिंदगी भर ऐश करूंगा ये सोच के नहीं, समझी? जब मेरी इज्जत दांव पर लगी थी तब वो आपके पैसे वाले बचाने नहीं आए थे, उस राजा ने ही बचाया था। ए, उसका नाम मत ले मेरे सामने, खून खौल रहा है मेरा, नीच की औलाद है वो। वो नीच की औलाद होती तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता था ना पापा। तुम मुझे गलत इंसान के साथ बांध रहे हो, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं जीऊंगी उसके साथ और मरूंगी भी उसके साथ ही। जा मर जा, इसी वक्त जाके मर जा। दो मुट्ठी मिट्टी और दो बूंद पानी तेरी समाधि पर डाल के आ जाऊंगा। मैं अपनी पे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, ये बात याद रखना तुम। अरे प्यार जिंदगी को कभी चैन से जीने नहीं देता, जीने के लिए पैसा चाहिए। ए, ए, गौर से सोच के देख। दीदी छोटी, मुझे राजा चाहिए। Cheers! यारो ये पार्टी तो कुछ भी नहीं है, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, ऐसी पार्टी दूंगा तुमने जिंदगी में ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी, समझे ना? क्यों देवलोक ले जाएगा क्या? ये तो हथेली पे ही स्वर्ग दिखा रहा है, तू चुपचाप पी ना। अरे अगर पैसा है ना तो कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन तुम लोगों को अंगूर की बेटी से नहलाकर चमिया लोगों के साथ पार्टी दूंगा, एंजॉय। जरूर, लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद। मेरे पैसे पे ऐश करके मेरी होने वाली बीवी को चखेगा? ए छोड़, छोड़ उसे, उसकी बात में सच्चाई है। जो वक्त के साथ रंग बदलता है, ना तो हम उसके दोस्त हैं और ना वो हमारा। मैं देख रहा हूँ तेरा खेल,
दिखाने के लिए तेरी शादी तो फिक्स हो गई है, लेकिन एक को गले बांध के क्या करेगा? चांस ही नहीं है। मिल बांट के एंजॉय करेंगे ना दोस्त, तो मैटर फिनिश। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सब शादी के बाद स्वागरात मनाते हैं, मैं शादी से पहले मनाऊंगा। सुपर यार रंगा। वाह, यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने सही कहा, कल जब मैंने ऊपर से देखा तो ये दुनिया ऐसी लग रही थी, पर आज पूरी दुनिया शीश महल लग रही है। नया सपना, नई जिंदगी, ये हमारे लिए नई खुशियां लेकर आती है। पुरानी सारी बातें भूल जाओ, फिर देखो तुम्हें सब अच्छा लगेगा। अब तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं रहना है, यहाँ रहकर तुम्हें दिन रात मेहनत करनी है। वो पहाड़ देख रहे हो, उसे देखते रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि दुर्ग किले को चढ़ने का साहस करूं। यू कैन डू इट। एनीवेज ऑल द बेस्ट। छोड़ो इसे, चलो जल्दी करो। चहेती भागीरथी फिर से हाजिर हूँ। आज के इस टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम में क्या होगा ये सोच रहे हैं? आज दुर्ग किले से एक अजीब बंदर को पकड़ कर लाई हूँ। अरे कंफ्यूज हो गए, वही है आज का ट्विस्ट कोथी राज, बंदर राज, आज का स्पेशल एपिसोड। अब तुम बोलो राजा। मैं क्या बोलूँ मैडम? अपनी जिंदगी के बारे में दीदी। उस किले पर तुम कैसे चढ़ जाते हो उस बारे में दीदी। दीदी दीदी देखो टीवी पर राजा आ रहा है। अच्छा, मैंने जहर पिया नहीं मरा, पानी में छलांग लगाया नहीं मरा, आखिर मैं कैसे टीले पर चढ़ा जो बहुत ऊंचा था, वहाँ से अपनी जान देने के लिए बस कूदने वाला था, तभी एक देवी ने आकर मेरी जान बचाई और जिंदगी जीने की सही राह दिखाई। छोटी, उन्हीं के कहने मुझे राजा से मिलना है, तो कुछ न कुछ कर लो प्लीज। मैं क्या करूँ दीदी, मम्मी पापा हमेशा घर में ही रहते हैं। मैं आराम से चढ़ सकता हूँ और उतर सकता हूँ। आज मैं अपनी मेहनत से ज्योतिराज से मंकी मैन बन गया हूँ। इन लोगों को भी अभी आना था, तो कुछ ना कुछ कर ना। आइए आइए दमाद जी बैठिए। नहीं बाबूजी मुझे देर हो रही है। अरे बैठिए तो सही। अरे चाय तो लेके आओ जरा। ए तू यहाँ बैठे टीवी देख रही है, बाहर दामाद जी बैठे हैं, जाकर बात कर उनसे। उसे देखते ही मेरे बदन में कीड़े रेंगने लग जाते। ए कैसे बातें करती है,
अपने होने वाले पति के बारे में उठपटांग बोलती रहती है। अरे तुम्हारे पापा के बारे में क्या पूछ? क्यों बाबू जी, हमें अपने काम से फुर्सत मिले तो तब कहीं जाके पूछे। सही कहा, थैंक यू माँ जी। बाबू जी वो मैं शहर की ओर जा रहा हूँ, कमली को भी शॉपिंग के लिए ले जाऊं क्या? देखा कितना शर्मा के पूछ रहा है, जाओ उसे तैयार कर दो, तैयार करके भेजो, जाओ। अच्छा। बेटी दामाद जी तुझे लेकर बाहर जाना चाहते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। बेकार की बातें मत कर, उससे अच्छा हमें जहर दे दे, हम दुनिया से चले जाते हैं। उसे और कोई काम नहीं है, कहीं से भटकते भटकते अपना मनहूस सूरत लेकर यहाँ तक पहुँच गया। कैसी अनाप शनाप बातें कर रही है तू? इससे मेरी शादी कराने से अच्छा है कि तुम लोग मुझे मार डालो, मेरी भावना की तो कोई कदर ही नहीं है। कुछ ज्यादा ही बोलने लगी, तेरे बाप को बोलती हूँ। दीदी तुम्हारे लिए सही मौका है, तुम बाहर गई तो वहाँ से भागकर राजा से मिल सकती हो। सही कहा, बहन से बातें बाद में कर लेना, तैयार हो ले। इसकी क्या जरूरत थी, ये सब देख के हमें प्यार के बंधन में बांध रहे हो। बेटी देखो ये क्या लाए हैं, इसे कैसे इस्तेमाल करना है मुझे क्या पता। ठीक है, चलते हैं, शाम को जल्दी आ जाना बेटा। जी अच्छा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ तो बोलो, तुम्हारी बातें चुम्बन जैसी प्यारी हैं। प्लीज बिहेव योरसेल्फ, गाड़ी रोको, मुझे पीछे बैठना है। सॉरी मैंने चुम्मा तो नहीं मांगा। दो ठंडे पाइनएप्पल जूस दो। थैंक यू, वेलकम। कर दिखाया मैंने दोस्तों, कर दिखाया। राजा। राजा मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रही हो कमली? मैंने तुम्हें टीवी पर कहते हुए सुना कि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, तब मैं तुम्हें बचा नहीं पाई थी, मुझे माफ कर दो। धर्मा हर औरत को एक अच्छी माँ बनाकर इस संसार में भेजते हैं, वही मुझ जैसे पापी को भी संसार में पैदा करते हैं, जिसे मौत ने भी गले लगाने से मना कर दिया। मुझे लगा था अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, पर इन पहाड़ों ने मिला दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे तुम चाहिए राजा। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जाओ यहाँ से। मैं जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। जिद मत करो कमली, जाओ यहाँ से। तुम क्यों जिद कर रहे थे, मैं तुम्हें नहीं मिली इसलिए ना, बोलते क्यों नहीं? सच बताओ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? इस दुर्ग से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा अपना है क्या? हम चांद और सूरज को पसंद करते हैं, क्या वो हमें कभी मिलेगा? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम जाओ कमली, तुम यहाँ रहोगी तो मुझे परेशानी होगी। जाऊंगी लेकिन जिंदा नहीं जाऊंगी, एक लाश बनकर, जिसको मैं चाहती नहीं उसके साथ हर दिन घुट घुट के भरने से अच्छा अभी इसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपने आप को मौत के हवाले कर दूंगी। कमली रुको, मैं आ रहा हूं। कमली ध्यान से ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, हाँ हाँ सीधा पे, हाँ ऊपर ऊपर संभल के आराम से आ, और हिम्मत जुटा, हाँ ऐसे ऊपर, हाँ, की तरफ
कमली, ए कमली, कमली, ए कहां गई वो जिद्दी बेशरम लड़की? बेचारे दामाद जी इतनी दूर से गाड़ी लेकर आए, उसे घुमाने लेके गए और वो गाड़ी से उतर के फरार हो गई। सब हमारी किस्मत, हमारी बेइज्जती करने के लिए ही वो लड़की पैदा हुई है। घबराहट के मारे दामाद जी ने मुझे फोन किया कि कहां है वो। हेलो छोटी दीदी, छोटी दीदी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो दीदी, क्या हुआ? मैं राजा को मिलने वहां गई थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो चट्टान से गिर गया। उसके सर और पैर में बहुत चोट आई, अभी वो दुर्ग के हॉस्पिटल में है। छोटी छोटी जा जा के उस बेशरम को ले आ। कहां से लेकर आऊं जी? तेरे बाप के घर से, खाल उधेड़ दूंगा उसकी, देख के रहिए, जले के उसे। बच्चे को डांटना मत। तो हट, मैं ही जाकर लेके आता हूँ उसे। शादी से पहले अगर ये हाल है तो शादी रोक दे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तू अपनी बकवास अपने पास रख। दीदी दीदी, राजा भैया चट्टान से गिर गई है, दीदी उन्हें हॉस्पिटल लेके आई हैं। ये सब कैसे हुआ? थैंक यू। राजा नाम का पेशेंट इस वक्त कहाँ है? ऊपर इमरजेंसी वार्ड में है, आप बैठ जाइए। ओह माय गॉड। ओके सर। राजा के साथ कौन है? उन्हें मेल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। थैंक यू। डॉक्टर? देखिए राजा बहुत किस्मत वाला है, कोई और होता तो मुश्किल होती, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है, माइनर फ्रैक्चर है, मैंने प्लास्टर कर दिया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत सख्त जान है, पर हाँ इनका अच्छे से ध्यान रखना सिस्टर। थैंक यू डॉक्टर। देखो पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, सब बाहर जाओ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग जाओ। राजा अब कैसा लग रहा है? अगर तुम अभी कहो तो मैं किले पे चढ़कर दिखा सकता हूँ। ठीक है वो हम बाद में करेंगे। राजा ये कमली है, यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई है। थैंक्स। दरअसल राजा को रॉक क्लाइंबिंग के लिए मैंने ही फोर्स किया था, उसी की वजह से ये सब हुआ। नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ। चट्टान से उतर रहा था, छोटी सी भूल हो गई, फिसल कर नीचे गिर पड़ा, बस और क्या। इफ यू डोंट माइंड, राजा के पास मैं रहूं क्या? अरे तुम क्यों तकलीफ उठाओगी, इनका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ ना यहाँ। यू डोंट वरी। प्लीज मना मत करो। कमली चलो घर चले। पापा पर राजा, इसका ये लोग ध्यान रख लेंगे, चलो। चल। पापा मुझे छोड़ो, मैं राजा को इस हाल में छोड़कर आपके साथ नहीं आ सकती। चुपचाप मेरे साथ घर चल, वरना तुझे और उसे यही मार डालूंगा, चाहे मुझे जेल हो जाए, चल मेरे साथ। देखो जब से तुम बंदर बनकर पहाड़ पर चढ़ने लगे हो, कितने लोग तुम्हें देखने आने लगे हैं, और वो लड़की तो देखो अपने पिता के साथ भी नहीं जा रही थी। हेलो क्यों भाई, लव एट फर्स्ट साइट हो गया क्या? हाँ ए मैं तो मजाक कर रही थी, अब जरा हंस भी दो। क्या हंसूं, मुझ पर क्या बीत रही है, तुम क्या जानो। ऐसा क्या सोच रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। कहां गई हो, इधर आओ, देखो महारानी आ गई। आरती की थाली लेके आओ और इसकी आरती उतार, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने गई थी उसके साथ। उस राजा के पीछे भाग कर गई, हमारी कोई परवाह नहीं है तुझे। मत छोड़ो ना दीदी को, क्यों मार रही हो? दीदी के
की तरफदारी कर रही है, तरफदारी कर रही है। छोटी लड़की होने से अच्छा होता कि हम लड़का होकर पैदा होते। आओ पापा मारो मुझे, फिर भी जी नहीं भरता तो काट डालो मुझे, फिर भी मैं वही करूंगा। क्यों रे, क्या पागलपन कर रही है तू? हीरे जैसा लड़का है वो, और उसे छोड़ के तू राजा के पीछे भाग रही है। अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है तुझे? प्यार, राजा तो मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा अपना बन चुका है। हे भगवान, दुख हो या सुख हो, मुझे उसके साथ ही जीना है। नहीं जी, सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। नहीं पापा, पापा बात सुनिए। पापा ये ले, पकड़ इसे, पकड़, छोड़ दो, काट डाल, काट डाल हम दोनों के सिर। क्या कर रहे हो पापा? अपनी जिद पूरी करने से पहले हम दोनों को मार दे, आज एक नया इतिहास बनने दे। जन्म देने वालों को मार कर दो प्रेमी एक हो गए। ले ले, मार दे हमें। नहीं पापा। तुझे बचपन से लेकर बड़ी होने तक इस कलेजे से लगाकर पाला है तुझे। आज तू अपनी जिद पर अड़ी है। तुझे हमारा दर्द नहीं दिखाई देता। एक भिखारी को अपने दिल में बिठाकर उसे ही अपना सब कुछ मान चुकी हो। महलों की घी की रोटी से तो गरीबों के आंसुओं की रोटी अच्छी होती है। गरीबों के घर में प्यार होता है, लेकिन अमीरों के वहां सिर्फ नफरत होती है, जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा, उनको कुछ कहने से पहले जरा सोच ले, तेरी नजर में वो गलत हो सकते हैं। घर आकर रिश्ता मांगने वालों के यहाँ जाके ना कैसे कहूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब जाइए, मैं समझाती हूँ। अब जाइए। कमली, बेटी ऐसा क्यों कर रही है तू? हर माँ बाप यही चाहते कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, तो वक्त की रोटी वो खुशी से खाए, तो माँ बाप को और क्या चाहिए। अपने बाप को गलत मत समझ बेटी, तू अगर अपने जिद पे अड़ी रहेगी तो तेरा बाप जिंदा नहीं रह पाएगा। माँ, सच बता, मुझे जन्म देने वाला बाप यही है क्या? कमली, जाओ माँ, जाके जहर ले आओ, मैं और जीना नहीं चाहती। बेटी, जीने की इच्छा होती है इंसान तभी कुछ करने की सोचता है। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उस सूरज को देखो, आज डूब रहा है, कल वो फिर से उदय होगा। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है, तुम जरूर जीतोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कर दिखाओगे। धीरे से। हाँ, अरे छोड़ो मुझे, मैं अपने बल पर ही चलूंगा। एक पैर से किले पे चढ़कर दिखाऊंगा तुम्हें, चाहे हड्डी टूट जाए। एक पैर से? पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाओ, फिर एक पैर से चढ़ना। अगर मैं एक पैर से किले पे चढ़कर दिखा दूं तो? हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं चढ़ सकते, चढ़ोगे चढ़ोगे। बदकिस्मती पीछे ही नहीं छोड़ रही है, गिरने के बाद भी जिंदा हूँ मैं। कुछ साबित करने के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में आज कई लोग गलत कदम उठाकर जेल में सजा काट रहे हैं, तब भी वो हिम्मत नहीं हारते। सुन रहे हो ना तुम? धरती पर बोझ बनकर दूसरों के सहारे जिंदगी बिताना भी कोई जिंदगी है क्या? मतलब कि कोई कामयाब नहीं हो पाया तो मर जाओ? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? हमेशा बहती हुई नदी की तरह रहा करो। ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है। दिल भी बिल्कुल वैसा ही है। नामुमकिन को मुमकिन करने के बारे में सोचो, फिर देखना तुम ही जीतोगे। मेरी तुमसे यही एक्सपेक्टेशन है। मेरी जिंदगी में से कई दौर आए और चले भी गए। ए, फिर से वही बातें। औरों को तकलीफ देना ही मेरी जिंदगी बन गई है, और तुम मेरी सेवा में दिन रात एक कर रही हो। मुझे लगता मैं भी तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। अरे बहुत गलत सोच है। हे बंदर, इधर देखो। देखा तुमने, इस इंसान के दोनों पैर नहीं है, फिर भी इसने अपनी लाइफ को कैसे चैलेंजिंग बनाया है। तुम भी ऐसे ही बनो, मैं यही चाहती हूँ। कभी कभी मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है। लगना काफी नहीं है, उसे तुम्हें चैलेंज समझना होगा, और उस चैलेंज को तुम्हें जीतना ही होगा। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, चढ़ो तुम आराम से, कर लोगे तुम। ए, ए, सपोर्ट। हाँ, पकड़ो उसे, पकड़ो। यस, कमॉन कमॉन राजा, चढ़ते रहो। वेरी गुड, आराम से आराम से राजा। ए, केयरफुल केयरफुल।
वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे राजा। वेरी गुड। अब नीचे आओ, नीचे आओ। ध्यान से संभल कर राजा। यस वेरी गुड। सुपर राजा। ठीक हो ना तुम राजा? हाँ ठीक हूँ मैं। जब मेरा पैर फिसला तब मैंने सोचा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तुमने मुझे फिर से बंदर बना दिया। ये सब तुम्हारी ही कोशिश का फल है। राजा, लाइफ में तुमने किसी से प्यार किया है क्या? हाँ। अच्छा कौन है वो? मेरे पिता से, मेरी माँ से, ये चट्टान, ये खंबा, ये पत्थर, ये पहाड़, ये महल, इन सब से मैंने प्यार किया है। सबसे सबसे प्यार किया है मैंने। अरे मेरे कहने का मतलब है कोई लड़की आई है क्या लाइफ में तुम्हारी? मेरी सूरत देखकर कोई लड़की नहीं आती, जो भी देखती है वो धतूरा समझकर चिढ़ाकर चली जाती है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है? जो आंखों के सामने आते हैं वो दिल में नहीं बसते, और जो दिल में बसते हैं वो आंखों के सामने नहीं आते। अरे वाह, तुम तो शायर बन गए हो बंदर। अच्छा तो मैं कहाँ हूँ? अरे राजा कहाँ जा रहे हो? अरे अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ तो सही। अरे कहाँ चढ़ रहे हो? अभी नीचे आओ। अरे राजा सुनो तो, नीचे आओ। अरे नीचे आ जाओ। अरे मेरे पास का जवाब कहाँ से दोगे क्या? बताओ प्लीज। अरे आ जाओ नीचे। सुनो सुनो सुनो। अगर मैं हनुमान होता तो सीना चीर के दिखा देता। बताया तूने, सिखाया काबिल बनाया यार मुझे। जो भी होगा पाना है मंजिल तुझे, जाऊं जहां साथ यूं ही रहना मेरे। अरे झूम झूम तेरे संग नाचेंगे हम, अरे संग तेरे मेरे भी डोले कदम। चाहत जगी ओ यारा, जब से मुझे तू मिली है आरज़ू चाहतों में पलूं, तू मेरी रानी मैं राजा बनूं। सुनो सुनो जानी जा, मैं हूँ तेरा दीवाना, तू है मेरा मैं हूँ तेरी, सबसे कहो। सुनो सुनो साथिया, आजा मेरे पास आ, प्यार की ये मस्तियाँ मस्तियों में डूब जा। आ दिल मिला मेरी जा। आ आ आ आ आ, 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 आ।
बजे है मेरे नाम का, मैं तो मुसाफिर हूँ तेरे प्यार का। लहरा दो परचम की, जीत गए हम इस धरती पे ना किसी से है कम। ये समा है जीत का, जिंदगी का ले मजा, फिर न मिले मौका ये कभी। ए, सुनो सुनो साथिया, आजा मेरे पास आ, प्यार की है मस्तियाँ, मस्तियों में डूब जा आ, दिल मिला जाने जा आ, 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 बताया तूने सिखाया, काबिल बनाया यारा मुझे। जो भी होगा पाना है मंजिल तुझे, जाऊं जहां साथ यूं ही रहना मेरे। अरे झूम झूम तेरे संग नाचेंगे हम, संग तेरे मेरे भी डोले कदम। कमली, तुम मुझसे इतना डरती क्यों? डर नहीं, नफरत। मैं तेरा होने वाला पति हूँ, जल्दी पति बन जाऊंगा, या ये समझ ले बन गया। ये भ्रम है तुम्हारा, यहाँ से जाते हो या नहीं। तुम गुस्से में और भी प्यारी लगती हो, मेरा कहा मान लोगी तो चला जाऊंगा। सब शादी के बाद सुहागरात मनाते हैं, हम सुहागरात पहले मनाएंगे। तेरे जिस्म की खुशबू मुझे पागल बना रही है। ए, काट के रख दूंगी। मेरा जिस्म और ये दिल राजा की अमानत है, सपने मत देख। मैं सब जानता हूँ तू किस तरह की लड़की है, शादी हो जाने दे तब तुझे बताऊंगा। क्या करेगा तू? तू कुछ नहीं कर सकता, तूने मेरे साथ कुछ कर भी लिया तो मेरी लाश के साथ होगा। तुझे जितना घमंड है सब उतार दूंगा। सपने देखना भूल जा, ऐसा हाल करूंगी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देख पाएगा। चल जा यहाँ से, जा, जाता है या नहीं। जीजू, दीदी, क्या हुआ? बच क्या मेरे हाथ से? ये सब क्या है दीदी, बताओ मुझे। सुहागरात मनाने आया था कमीना कहीं का तू। हमारे घर वाले उस नीच को बहुत शरीफ समझते छोटी, यहाँ पर राजा होता तो उसकी लाश गिरा देता। तू हॉस्पिटल गई थी क्या, राजा से मिली थी क्या? वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं दीदी, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाई। छोटी दीदी, मुझे राजा चाहिए। चलो चलो, पहले यहाँ पकड़ना, फिर वहां पर पकड़ना, और फिर वहां से वहां, और उसके बाद तुम चढ़ना, देख लो इसे। पकड़ पकड़, हाँ ऐसा, उधर, हाँ हाँ, ग्रिप सही से रखो, सही से बोलो। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो, अब मैं चढ़ के बताता हूँ। ये इसको पकड़ा, और ये ऐसे, हाँ यहाँ पकड़ा, ये ऐसे ऊपर हाथ रखना है, और ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ऐसे पकड़ा जोर से, टाइट एकदम कसकर। कदमों को जमा के रखना है, ये भी एक पेच है, ध्यान से देख लो, पैर इस दिशा में, हाथ ऊपर, ऐसे पकड़ना है, और दूसरा हाथ ऐसे, और एक कदम बढ़ाए, और ऐसे कूदे, ध्यान से देखो बच्चों। अभी मैं नीचे आता हूं,
भागो उधर, तुम उधर से चलो। हाँ अच्छे चलते रहो, बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश शाबाश, ऊपर ऐसे। हाँ हाँ मैं पीछे हूँ, डरो मत, चलो। मनोज जरा वाइड एंगल से लेना। हाँ और इनके चढ़ने का जरा क्लोज एंगल से लो, इधर से अच्छे से। हाँ बढ़िया। अरे उधर से चलते रहो चलते रहो, डरो मत, कस के पकड़ो। हाय राजा। तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, इस तरफ से आ जाओ। आया मैं अभी। मनोज वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखना। राजा जल्दी आओ। लो आ गया। ए ए क्या कर रहे हो बंदर? तुमने ही तो मंकी मैन नाम रखा है। अरे संभल कर राजा, स्लिप हो जाओगे। कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, मैं पूरा बंदर लग रहा हूँ ना। तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है, अब जल्दी नीचे आ जाओ राजा। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? कोथीराज कभी डरता है क्या? अच्छा ठीक है भूत, नीचे आ जाओ। ये बंदर भी ना। अरे संभल कर। हे क्या कर रहे हो? मनोज तुम कैमरा तैयार कर लो और वॉइस रिकॉर्डर को उससे कनेक्ट कर लो। ऑपोजिट लाइट में आ जाओ। ओके नमस्ते दर्शकों, मैं तुम्हारी चहेती भागीरथी। आज के आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में मैं आप सबसे इनका परिचय पहले ही करवा चुकी हूँ। वो है राजा यानी के कोथीराज। इनका साहस देखो, किले से गिरकर हड्डी टूटने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी इन्होंने। इतना ही नहीं, ये अपने साथ 4-6 लड़कों को रखकर उन्हें अपनी कला सिखा रहे हैं। आइए हम इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। राजा मैं आपका प्यारा कोथी राजा। मेरी जिंदगी में दो औरतें हैं, उसमें से पहली है मेरी माँ जिसने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, और दूसरी है वो जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस दुर्ग किले से मेरा नाम जोड़ा। मैं दिन रात एक करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसी देवी की बदौलत जो मेरे साथ यहाँ खड़ी हैं, यही है वो दूसरी औरत। आप देख रहे हैं TV 91, वन एंड ओनली इंडिया का न्यूज चैनल। राजा प्रधानमंत्री की 15 दिन की विदेश यात्रा कल से शुरू हो रही है, जिसमें वो 3 अलग अलग देशों की यात्रा करेंगे। अरे क्या हुआ? जहाँ पर आपसी व्यापार चर्चा का मुख्य मुद्दा रहेगा, रक्षा सौदों पर भी बात हो सकती है। आइए अब आपको लेके चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो आ रही है दुर्ग से। आप देख रहे हैं TV 91, वन एंड ओनली इंडिया का न्यूज चैनल। हे जी, हमारे बेटे का फोटो फ्रेम टूट गया। उसने तो बरसों पहले साथ छोड़ दिया, यही फ्रेम बस बचा था। कोई बात नहीं, चलो नया फ्रेम बनवा लेंगे। आपके सामने है राजा। कांच के टुकड़े झाड़ू से हटा दे। परिवार इस वक्त कहाँ है, जरा आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? हमारा गांव कपोली कुम्हार पाड़ा है। मेरे पिता का नाम माणी और माँ का नाम सीताराम है। मुझे सुधारने के लिए मेरे पिता मुझ पर खूब बिगड़े, इसलिए मैं गुस्से से अपना घर छोड़ाया। आज मेरे माँ बाप का पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मेरी बहन का नाम बसंती है, लगता है आज गाँव में उसकी शादी हो गयी होगी। मैं घर जाने का बार बार सोचता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं। सुनो जी, हमारा बेटा दुनिया से नहीं गया, वो टीवी पे आ रहा है देखो। अरे क्या कह रही है, गलत फहमी मत पाल, अंदर जा। अरे चल के देखो तो। माथा खराब करती है। मैं बहुत शरारत करता था, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुमने सच कहा, हमारा बेटा जिंदा है। आशीर्वाद है, उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो ना होते तो शायद मैं भी यहाँ पर ना होता। हाँ बेटा, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। अरे माटी मिले, मेरा बेटा आया तो टीवी बंद हो गया। तू बैठ जा, हमारा बेटा कहाँ है ये पता चल गया ना, अब चिंता नहीं। ए जी चलो चलते हैं ना, हम भी वहाँ जाते हैं, अपने बेटे को वापस लाते हैं। मेरी जान अटकी है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरा राजा मिल जाएगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ दुर्ग ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया से ही मैं उस कमीने को मिटा डालूंगा। कौन सी कमजोर नस दबाने से वो बंदर भागा चलाएगा, ये मुझे अच्छी तरह पता है।
ये किसने किया? अरे मैंने। क्यों? अरे तो बस में सीट रिजर्व करने की यही ट्रिक होती है ना। पागल कहीं का। अरे आइए आइए माँ जी, यहाँ बैठिए। अरे हट। अरे तू हट। राजा का दिल एक खुली किताब है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। सिर्फ उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, दिल बिल्कुल बच्चों की तरह है। लगता है मक्खन पिघलकर घी बन गया है। राजा बहुत मासूम है, मेरी नजरों में उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई है कि आई लव हिम वेरी मच। तू यहाँ पर उसे दिल में बसाकर बैठी रहे, और वहाँ वो किसी और का हो जाएगा। ये बता, राजा तुझसे प्यार करता है? मुझे नहीं पता, उसका मूवमेंट देखकर तो लगता है। मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं, तब उसने जवाब दिया यहाँ है। उसने कहा सीना चीर कर दिखाऊं क्या कि कहाँ रहती हो तुम। परसों जब मैंने उसका इंटरव्यू किया, तब उसने कहा कि मेरी जिंदगी में देवी बनकर आई हो तुम। ये सब देखकर लगता है वो भी मुझसे प्यार तो करता ही होगा। आई थिंक आई कांट लिव विदाउट हिम। ये सब देखकर लगता है वो भी मुझसे प्यार तो करता ही होगा। आई थिंक आई कांट लिव विदाउट हिम। राजा भैया, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? बोलो। नहीं छोटे, मेरी जिंदगी में मुझे किसी से सुकून नहीं मिल रहा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया? जितने लोगों ने मुझे आज तक चाहा है, उन्हें हर तरीके से दुखी मिला है। जो हमें चाहते हैं या जिन्हें हम चाहते हैं, उन्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, ये मैंने कभी नहीं चाहा। मैंने हमेशा यही चाहा कि हर कोई सुकून से जी और आराम से रहे। दुख यही है, सब उल्टा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तू क्या कहता है छोटे? छोटे छोटे सो गया? मुझे हर किसी को खुश करने के लिए अपने दिल की बात बतानी ही पड़ेगी, यही सही होगा। दीदी, तुम जल्दबाजी में ऐसा कदम क्यों उठा रही हो? छोटी, घुट घुट के जीने से बेहतर है कहीं जाकर मर जाऊं। तो रो मत छोटी, मैं जिंदा रही तो जरूर मिलूंगी। आज मैं तुझे तन्हा छोड़कर जा रही हूँ, किसी और से ना सही पर तुझसे जरूर मिलूंगी। मुझे माफ कर देना, जिसे मैं नहीं चाहती उससे मैं मंगलसूत्र नहीं बनवाना चाहती हूँ। तुम बेफिक्र होकर जाओ दीदी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लो ये भी रख लो, देर मत करो, जाओ जाओ दीदी, जल्दी करो। जिंदा नहीं रही तो मेरी लाश आएगी। मैं जा रही हूँ। Thank you.
रोक दे भाई, रोक दे, रोक दे भाई, रोक दे, बस चलो भाई उतरो, लास्ट स्टॉप आ गया। पहुंच गए क्या? हाँ लगता है पहुंच गए। चल उतरो भाई, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। सुनो जी, यहाँ से कैसे जाएंगे? किससे पूछेंगे राजा कहाँ है, बताओ ना। आखिर उस लड़की ने अपनी चाल दिखाई दी, अब मैं क्या करूं? ए, ए मेनका, ए मेनका, ए इधर आ जल्दी, ए, ए इधर आ जल्दी, कहाँ है कमली? मुझे क्या पता, मैं तो अभी भी सोकर उठी हूँ। इन दोनों बहनों की बात पे विश्वास मत कर। मुझे क्या पता दादी, मैं तो सो रही थी रात भर, तो तुम जाके देखो ना, तुम्हें पता होगा। तुम दोनों की जिंदगी को आग लगे, पैदा ही क्यों हुई हो? हमको तो पता, मुझे क्या पता। चलिए ना, चलते पुलिस स्टेशन। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भगवान, इस उम्र में अब पुलिस स्टेशन, क्या बोलूं गांव वालों को, कुछ नहीं पता, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? हो सकता है अगर वो दोनों मुझे वहां मिल गए तो काट डालूंगा उन दोनों को, चाहे मुझे जेल हो जाए। हाँ खाओ। इसे अकेले भेज देता हूँ और मैं यही रुक जाता हूँ। ये ले बस का खर्चा, रख ले, ध्यान रखना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना प्लीज, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम? हाँ मैं, उस दिन तो बहुत अकड़ रही थी, हसिया उठा लिया था ना मुझ पर, हैं? ए, मैंने तुझे कहा था मैं स्वागत मनाऊंगा, याद है ना तुझे? वो आज जरूर होकर रहेगा। तू है तेरे जन्म को, तू एक मर्द है क्या? मैं वही प्रूफ करने के लिए तुझे यहाँ उठाकर लाया हूँ। मेरे जीते जी ये नामुमकिन है, अब तू देखता जा तेरी मर्दानगी का क्या हाल होता है। कोत ही राजा करेगा। अगर तेरे उस पागल प्रेमी के सामने मैंने सेठ सजाकर तेरे साथ रासलीला नहीं रचाई मेरी जान, तो मेरे कामेश्वर होने का क्या फायदा, बताओ ना, तुझमें कितनी हिम्मत है, देखता हूं। कहां चला गया? हेलो, कोती राजा बोल रहे हो? जी हाँ भाई। राजा, मुझे मिलो। कोती राजा जी, खंडर में दो प्रेमियों ने सुसाइड कर ली है। मैं उन्हें बचा नहीं पाया, तुम आकर उनकी लाश ले जाओगे क्या? ऐसे दो प्रेमियों के बीच में क्या हुआ था? जो भी हुआ हो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। भैया खंडर की तरफ जा रहे हो? दो लाशें खंडर के पास मिली है, मैं जाकर देखता हूँ। भैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वहां जाके देखता हूँ। मेरी टांग टूट गई फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो चल मैं आता हूँ। भाई साहब, किले का रास्ता किधर है? यहाँ से बाएं जाना, आगे से दाएं जाना, ऊपर मिल जाएगा आपको।
इस बारे में किसी को कुछ मत बताना और मेरे आने तक तू घर पर ही रहना, ठीक है? जा। अरे तू जा ना, चल जा। और कितनी दुख और तकलीफ देखनी पड़ेगी, प्यार में ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? शायद लोग सही कहते हैं, प्यार आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बेचारा, तुम्हारा भोला प्रेमी समाज सेवा के इरादे से खंडर आ रहा है, रस्ते में ही उसकी लाश गिरेगी। ए पापी, राजा ने तेरा क्या बिगाड़ा है? राजा को छोड़ दे। उसकी लाश गिरने के बाद हम दोनों की सुहाग रात, और फिर उसके बाद मेरे सारे दोस्तों के साथ फिर दोनों खत्म। कल न्यूज में, पेपर में हेडलाइन यही कि घर वालों के विरोध करने पे प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली, ऐसा आएगा। फिर मैं आराम से दूसरी लड़की को देखूंगा, कैसा लगा डियर? तू कितना बड़ा कमीना है, ये जाने बिना मेरे माँ बाप ने तुझ पर विश्वास किया। पुलिस को बताकर मैंने तुझे ठिकाने नहीं लगवाया तो मेरा नाम बदल देना। हेलो, सुनो, कोती राजा दुर्ग से निकल चुका है, वो जो है ना खंडर से जिंदा पार नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाश वहां से आनी चाहिए। ए, मेन गेट बंद है, उधर से जाओ, जाओ टिकट लेके आओ। मेरा बच्चा यहाँ रहता है मैडम, इधर अलाउड नहीं है, इसलिए मिलने के लिए आए हैं। जाइए उधर। बेटी, ओ बेटी, कुछ मदद करोगी? आपको कौन चाहिए? आप लोग जाइए यहाँ से। माँ जी सुनो बेटी, वो फोटो दिखा। ये फोटो देखना बेटी, ये मेरे राजा बेटा का है। कौन है ये? मैं इसे नहीं जानती। वो किले पर चढ़ता है ना, मेरा बेटा राजा। तू जिससे टीवी पे बात कर रही थी वही मेरा बेटा है। आप लोग राजा के क्या लगते हैं? वो हमारा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, ये उसके पिता है। ओ, वो आपका बेटा है, अब याद आया आपको? नहीं बेटी, बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था, पुलिस वालों ने किसी और की लाश दिखाकर बोला ये तुम्हारा बेटा है, और हमने ये सच मान लिया, अब पता चला वो जिंदा है। हम पर एहसान कर दे, मेरा बेटा जहाँ है वहाँ हम दोनों को ले चल, एक बार उससे मिलवा दे बेटी। माँ जी, मैं भी राजा को पूछते हुए यहाँ आई हूँ, उसे फोन कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा, एक मिनट। देखिए रिसीव ही नहीं कर रहा है, चलिए ढूंढते हैं। हाँ, चलो। वो राजा कितना बड़ा कमीना है ये मैं जानता हूँ, मेरी बच्ची को मुझे वापस दिलवा दो साहब। आप कैसे कह सकते हैं उसे राजा ने किडनैप किया? कैसे कहूँ, क्या कहूँ? उसने हम सबके सामने कहा था कि वो हमारी बच्ची से प्यार करता है, इसीलिए अब वो हमारी बच्ची को भगा कर ले गया है। राजा वैसा इंसान नहीं है, आपकी बेटी कहीं गई होगी, आ जाएगी। अरे आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है साहब, वो कितना बड़ा चोर है ये मैं जानता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ सर बोलिए। राजा कहाँ है तू? खंडर की तरफ जा रहा हूँ। खंडर की तरफ क्यों? वहाँ कोई जोड़ी लवर की लाशें पड़ी हैं, जाकर देखो। ऐसा मेरे फोन पर फोन आया था सर, पता नहीं किसका फोन आया था, इसलिए मैं वहाँ बॉडी लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे काम पे जाने से पहले तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना राजा। सॉरी सर, अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, कभी भी आगे अगर ऐसी घटना होती है तो पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। राजा संभल के, तुम खंडर पहुंचकर वहां के पुलिस स्टेशन जाना, उनकी मदद लेना। ठीक है सर। बी केयरफुल। अब बोलिए, राजा ने अभी बताया दुर्ग के खंडर में दो लाशें पड़ी, उन्हें लाने गया है। तुम्हें पता है ना वो जगह डेंजरस है, समाज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है वो राजा। किन्हीं अनजान लोगों की लाशों को इतनी इज्जत देने वाला, ऐसी बेइज्जती वाला काम कभी नहीं कर सकता। कोठे राजा हमारे देश की शान है, शान। अरे तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में क्या पता है? मैं सच कह रहा हूँ और तुम उसी की तारीफें किए जा रहे हो। हाँ, पता नहीं आपको उस पे इतना भरोसा क्यों है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट लेते हो या नहीं? चिल्लाने के लिए तुम्हारा ससुराल नहीं है ये, अगर डाउट क्लियर करना है तो खंडर चले जाओ, वहाँ सब पता चल जाएगा, समझे? ए छोटू, क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू? हमारे राजा भैया को। राजा भैया, क्या हुआ राजा को? ये राजा के माता पिताजी हैं, उससे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। आज सुबह बस स्टैंड उतरकर मेरे और राजा भैया के सामने से गए थे,
एजी, हमारे राजा को हम पहचान नहीं पाए। जरा शांति रख। राजा कहाँ है? खंडर के पास किसी की लाश पड़ी है, उसे उठाने ले जा रहा हूँ, ऐसा बोल कर गए मुझे। किसी और की लाश के लिए क्यों गए दीदी? मुझे रोना आ रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, पता नहीं मेरा बच्चा कब मिलेगा। चुप हो जा, वो आ जाएगा। माँ जी, हम अब और इंतजार नहीं करेंगे, जहाँ राजा गए वही चलते हैं। चलो चलो चलो। कैसा लगा हमारे मिलन का स्पॉट? बहता हुआ पानी, संगीत सुनाते हुए पक्षी और धीरे धीरे चलती ठंडी हवाएं। सुहागरात मनाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहाँ होगी? यहाँ सुहागरात नहीं होगी, तेरा श्राद्ध होगा। भागो भागो, कहाँ भागोगी? घबराइए नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, राजा आपको मिल ही जाएगा। से मेरे पास आओगी तो क्या मजा आएगा? क्या है ना, मुझे शेर की तरह शिकार करके खाना बहुत पसंद है। देखो मेरे पास मत आना। क्यों जाने मन, क्या करोगी? राजा आएगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू अभी भी यही सपना देख रही है, राजा आएगा? वैसे अब तक तो उसकी लाश भी गिर गई होगी।
मेरी प्यास बुझा दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरे जीते जी मेरा शरीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक बार तू मेरी हो जाए, फिर तू जिए या मरे, उससे मुझे क्या मतलब? सुन, मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ, ये शरीर और ये दिल सिर्फ और सिर्फ मेरे राजा का ही है। तो जैसे शैतान को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। आ, आ ना। ए, तू पागल हो गई है क्या? ले, बुझा ले अपनी प्यास। खंडर में दो लाशें पड़ी हैं या फिर किसी ने सुसाइड किया है, ऐसी कोई खबर हम तक नहीं पहुंची राजा। मेरे नंबर पर एक कॉल आया था, हमारे बड़े साहब ने कहा कि आपसे आके मिल लें, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरे साथ चलिए, वहाँ पे दो लाशें पड़ी हैं। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे फोन पे जो कॉल आया था वो एक फेक कॉल था। इन दोनों बातों से मेरा कोई मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सर एक बार चलकर देख लेते हैं, सामने वाले ने मुझ पर विश्वास करके फोन किया कि वहां पर दो लाशें पड़ी आके ले जाओ। All right, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। यहाँ क्या हुआ, तुमने कुछ देखा है क्या? दोनों लड़ रहे थे, हमारे पहुंचने से पहले ही वो लोग गिर गए। चलो उधर देखते हैं। कहाँ? उधर सामने।
अरे आप रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्यों रोक रहे हो? वो मेरी बेटी है साहब। राजा, माजी संभल कर, माजी वो देखिए राजा, वो देखिए। राजा, 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 कमली, 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 मेरी बच्ची, तूने क्या किया? मुझसे गलती हो गई मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा करेगी। कैसी किस्मत है मेरी। ए पापी, कमीने, तेरी वजह से मरी है। बाबूजी, मैं आपको सच बताता हूँ, कमली मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस हद तक करती थी मैं नहीं जानता था। बाबूजी, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। ये मुझे कहती रही पर मैंने इसकी नहीं सुनी। और ये देखो, मेरी बेटी मर चुकी है, तो तुझे जिंदा रहने का क्या हक है? तू भी चला जा उसके साथ। राजा, मेरा बेटा। इसी ने मेरी बेटी की जान ली है, इसलिए उसे भी मरना होगा। ये तुमने क्या कर दिया? कमली, कमली मेरी राजा, मेरा बेटा, मुझे पानी ले गया। माजी, कमले, मेरे बच्चे, ये कौन है? अरे पापी, तूने दामाद जी को भी मार डाला। तो क्या ये तुम्हारा दामाद? हाँ साहब, इसी के साथ मेरी कमली की शादी होने वाली थी। ये कमीना मर गया, अच्छा ही हुआ, ये हमारी वांटेड लिस्ट में था। तुम्हें पता है इसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है? शादी का वादा करके लड़कियों को अपने साथ ले जाकर उनकी इज्जत लूट कर उनको मार देता था। तारीफ के काबिल काम किया तुम्हारी बच्ची ने। माजी, माजी आंखें खोलिए, देखिए, देखिए राजा आ गया। माजी, माजी आंखें खोलिए, माजी, माजी आंखें खोलिए। राजा, एक बात कहूँ, राजा को गुनेगार ठहरा के तुमने बहुत बड़ी गलती की। राजा, 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 पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और पब्लिक को यहाँ से क्लियर करो। माजी, भगवान, देखो, देखिए राजा आ गया, आया है। राजा, देखो देखो, राजा, राजा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? देखो माजी और बाबूजी। मैं बचपन में घर छोड़कर भाग गया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। राजा बेटा, आ गया तू, कहाँ था तू? मुझे माफ कर दो बाबा, तुम्हें मालूम था ना पागल हूँ, इसलिए मुझे डरा देते। तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अगर कुछ हो जाता तो क्या करते? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है मैडम। अरे राजा, अब हमें छोड़ दे। मत दे रहे बेटा, बड़ा जरूर हो गया, बड़ा कल नहीं आए। मेरा बच्चा, तू हमारे साथ घर चल, चलते हैं अपने घर। चल चल बेटा, चल। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान देने यहाँ आया था, तो आज यहाँ के लोगों ने मुझे अपने सिर पर बिठाया है। अब जीऊंगा भी यहाँ और मरूंगा भी यहाँ। मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। सच्चे मन से मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। राजा, तेरा जब मन चाहे मेरे घर चले आना, आज तुझे तेरे अपने मिल गए हैं, फिर भी मेरे घर में तेरा इंतजार रहेगा। चल घर चल बेटा, चल।
मालिक, मैंने आपका घर का नमक खाया है और वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं और तुम अलग हो जाते। आप कभी फिर ऐसी बात मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज तुमने जो इंसानियत दिखाई है उससे मेरा प्यार दुगना हो गया। तुम अच्छे इंसान हो राजा, तुम हमेशा सबके बारे में सोचते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ राजा। मैं उस लायक नहीं हूँ। अरे पता नहीं मैं और कितने दिन जीऊंगा, लेकिन मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर संसार बसाने की मुझसे उम्मीद मत रखना। सारे हालातों और सारी तकलीफों का सामना करते हुए हमारे इस कोथी राजा उर्फ मंकी मैन ने अपना संघर्ष जारी रखा और उनका यह संघर्ष आज भी जारी है। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, खुद को नाकारा समझकर आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति आज अपने टैलेंट को पहचान कर पूरी दुनिया का दिल जीत चुका है। सच कहूं तो इस दुनिया में जो 7 फेमस रॉक क्लाइंबर्स हैं उनमें से एक हमारा कोथी राजा भी है, इसीलिए आज पूरे भारत को उस पर गर्व है। मुझे कर्नाटक की मिट्टी में ही मरना है, कई नए कारनामे कर दिखाने हैं, हजारों सालों तक मुझे इतिहास का हिस्सा बनकर रहना है, यही उसका सपना है। हमारा ये कोथी राजा शादी करके 2 बच्चों का बाप बनने की बजाय पूरे भारत का बेटा बनकर जीना चाहता है। कोथी राजा ने अपने जीवन में कई कारनामे किए हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम वो सारे कारनामे तो आपको नहीं दिखा सकते, परंतु हमने उनमें से कुछ कारनामे आपको दिखाने का प्रयास किया है। हमारे इस प्रयास के पीछे आपका सपोर्ट रहेगा, ऐसी हमें आशा है। कभी यह मत सोचिए कि आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, आत्महत्या महापाप है, महापाप। मौत को हराकर हर कोई आगे बढ़े, यही हमारी कोशिश का एक हिस्सा है।